सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। सबसे पहली बात तो भाई कंग्रेचुलेशंस टू ऑल माय सीएसईटी भाई बंधु जिन्होंने भी सीएसईटी निकाल डाला है, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बवाल इस बार का जो मार्क्स है, मतलब बवाल मार्क्स लाए, मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ मैं, राइट। तो सबसे पहले तो भाई कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नाउ मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, राइट, कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, वे कैसे करना है, वो कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको ये सब बताऊं, उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। मतलब रिजल्ट्स के दिन ऐसा दिन होता है ना कि मैं एक दो मिनट ले लेता हूं आप लोगों का चोरी करके कि मेरे को बोलना है तो आपको सुनना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश हूं मैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही भयानक अच्छा आया है इन टोटल ओवरऑल, राइट। लास्ट टाइम भी अपने जो सी एस एग्जाम स्क्वाड के ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मतलब 99.99% मार्क्स लेकर पास आउट किए, ठीक है, 99.99 मेंबर्स पास आउट किए, और इस बार भी जो है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। तो इस बात का मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलो कोई भी इतना मतलब ख़राब वाला सिचुएशन नहीं आया। बिकॉज ये सारे जो ICSI का चल रहा था कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, ये होगा वो होगा, उसके बाद इतना ज़्यादा टेक्निकल एरर्स आया था इस बार, मैं तो डर गया था कि इस बार रिजल्ट्स क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मतलब बचा लिया मेरे को, मेरा नाक काटने से बचा लिया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट टू ऑल ईच एंड एवरी स्टूडेंट हूएवर हैव क्रॉस्ड CSEET एंड पास्ड आउट विद ब्यूटिफुल मार्क्स, ठीक है। तो ये जो CS एग्जाम स्क्वाड के जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उनके एक छोटा क्लिप जो है वो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, सो दैट जनवरी अटेम्प्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि पढ़ाई किस प्रकार से करना है, राइट। तो इसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो वो एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा, राइट। अब बात ये है, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा है और CS एग्जाम स्क्वाड के पार्ट हुआ है, कभी ना कभी CS एग्जाम स्क्वाड के एक भी लेक्चर आपने देखा है और आपको लगा कि नहीं सर ये बढ़िया है, ये लेक्चर बढ़िया था और इस लेक्चर ने मेरे को हेल्प किया है एग्जामिनेशन में निकालने के लिए, ठीक है, या फिर आपने टेस्ट दिया है या फिर आपने कोई भी, ठीक है, वीडियोस देखा है, तो ज़रूर आपका एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है ये जर्नी CSEET का। ओके, नाउ वन मोर बिग थिंग, I have a big announcement for all the students who have passed out CSEET. Now, this announcement is all about free executive video lectures. ठीक है, free executive video lectures. Now, ये जो free executive video lectures है, ये मेरा एक बहुत बड़ा जो है goal है, एक aim है. Understood? बहुत बड़ा goal है और aim है. मैं चाहता हूँ कि मतलब सारे बच्चे, मतलब मेरा ये जो है एम था, ये मेरा अगस्त अटेम्प्ट से था, लेकिन ड्यू टू अ बिजी स्केड्यूल आई कुड नॉट कंप्लीट इट, राइट। बट आई एम थिंकिंग कि फ्रॉम जनवरी 1, ठीक है ना, एकदम स्टार्टिंग वीक से मैं एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए लॉ क्लासेस जो है वो फ्री में अपलोड करना शुरू कर दूंगा, सो दैट मेरे जो भाई बहन हैं उनको मदद मिल पाए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं, पर्सनली कहते हैं कोचिंग के बारे में कि सर द कोचिंग्स ऑफ 40,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़, ओके, ओवरऑल, राइट, एंड डिस्काउंट दे के भी उनका 30,000 से कम नहीं होता, 26,000 27,000 ऐसे निकलता है, और बाकी सारे जो फैकल्टीज है उसमें कुछ ना कुछ आपको क्वालिटी में डिफरेंस मिल जाता है, राइट। बट मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ आज, ठीक है ना, मेरा एक बहुत बड़ा एम है, ओके, ऑन यूट्यूब, कि हर एक बच्चा जो एग्जीक्यूटिव मतलब CS में पढ़ना चाहता है, CSEET हो जाए या फिर CS एग्जीक्यूटिव हो जाए, सारे बच्चों को कुछ ना कुछ मैं मदद कर पाऊं। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स है, एक है कंपनी लॉ, दूसरा है अपना SBEC, तीसरा है अपना JIGL और एक है अपना MCQ पेपर टैक्स, ठीक है। ये कंपनी लॉ है, ये JIGL है और SBEC एंड टैक्स। इनमें से मैं कोशिश करूँगा आपका कंपनी लॉ, SBEC एंड JIGL के वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर दूँ फ्रॉम जनवरी, ओके, फ्रॉम जनवरी। नाउ दिस इज़ अ बिग थिंग, दिस इज़ अ बिग मूव, और यू कैन से अ बिग, यू नो, रिवोल्यूशन और एनीथिंग यू कैन से दिस, ओके। देखो मुझे पता है कि इस मोमेंट पे आके बहुत सारे ऐसे
नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे और बहुत सारे जो है ना मतलब डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे मुझको कि क्यों कर रहा है तू, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं करा सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। बहुत सारे नेगेटिव चीज़ जो है वो अटैक करने वाला है मेरे ऊपर, राइट, इस चैनल के ऊपर, मुझको पता है ये चीज़। बट जब तक कि ना आप लोग हो, ठीक है, आप लोग अगर फर्म हो तब तक कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो करा के छोड़ूंगा, ठीक है, मैं करा के छोड़ूंगा और ये मेरा एक सपना है, अंडरस्टैंड ना। तो मेरे को क्या चाहिए, आप लोग के सपोर्ट, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता कि यार ये जो है ना आप लोग के सपोर्ट के बिना जो है ये पॉसिबल होगा। तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, अगर आप लोग मुझको सपोर्ट करोगे तभी जाके मैं कुछ कर पाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू डू ऑल दिस फॉर यू ऑल, जब तक मेरा शादी नहीं हो जाता ना भाई मैं फ्री हूँ, ठीक है ना, तब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ कर देता हूँ, अंडरस्टैंड ना, मज़े उठा लो। अगर आप लोग CSET के वीडियो लेक्चर्स देख के आए हो एंड यू ट्रस्ट कि चलो यार ये बंदा अच्छे से समझा देता है मेरे को, तो वो बच्चे देख सकते हैं मेरे कंपनी लॉ SBC JIJL के लेक्चर्स, ठीक है। ये अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर तो क्या फिर हम लेक्चर्स ना खरीदें किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से? भाई वो अपना अपना डिसीजन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे जो CSET का कंटेंट है, मेरा CSET के यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट है वो आपको बवाल लगा है, उसमें से आपको हेल्प हुआ है, उसके कारण आपने CSET क्रैक किया है, तब यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 कंपनी लॉ SBEC NGIJL। टैक्स अपने आप ही एक इतना बड़ा सा, एक्चुअली कंपनी लॉ एंड टैक्स आर द टू बिगेस्ट ह्यूमंगस थिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो टैक्स का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर मैं टैक्स कराने लग जाऊँ तो मैं कंपनी लॉ नहीं करा पाऊँगा, और अगर कंपनी लॉ कराने लग जाऊँ तो टैक्स नहीं करा पाऊँगा, यू अंडरस्टैंड ना। तो इसके लिए मैंने लॉ सब्जेक्ट्स जो है वो आपके लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री। अब एक चीज़ याद रखना भाई, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया फ्री, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट में कोई भी क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि CSET में जो आपको क्वालिटी मिला है उससे 200% क्वालिटी मैं आपको दूंगा, ठीक है। आपको बस एक चीज़ करना है, वो पढ़ाई करना है। मैं आज कमिटमेंट कर रहा हूँ आपको, आप लोगों को भी कमिटमेंट करना है कि सर वी विल स्टिक टू इट, ठीक है, हम लोग पढ़ाई करेंगे वो भी जी जान लगा के, अंडरस्टैंड ना भाई। बात क्या होता है ना, मैं डर भी रहा था ये सब चीज़ करने के लिए, बिकॉज बात क्या होता है ना कि स्टूडेंट ना हवा बना देते सब कुछ चीज़ों का। जब ये वर्ड सुनते हैं ना फ्री वाला, बोलेंगे कि यार ये क्या फ्री में क्या मिलता है आजकल, मतलब ये क्वांटिटी या क्वालिटी कुछ भी कह लो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज जब ये CSET अनाउंसमेंट हुआ था ना, CSET अनाउंसमेंट हुआ था तब YouTube के ऊपर आप चेक कर लो, कोई भी चैनल अगर आके सबसे पहले फ्री लेक्चर्स का कंसेप्ट लाया तो वो था CS एग्जाम स्क्वाड, ठीक है। आप देख लो, किसी भी वीडियो को निकालो, मेरा जो पहला वीडियो था CSET के लिए वो वीडियो निकालो और एक बार चेक कर लो डेट कौन सा था, और कोई भी आप YouTube के ऊपर कोई भी फैकल्टी को चेक कर लो वो कब स्टार्ट किए, ठीक है। अभी CS एग्जाम स्क्वाड ने जैसे ही सारे वीडियोस फ्री करने स्टार्ट कर दिए तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी फ्री करना पड़ा, बिकॉज दे वर नॉट गेनिंग एनी रेवेन्यू फ्रॉम दैट, राइट, बिकॉज सारे बच्चे जो है वो क्यों पैसा डालेंगे, क्योंकि CS एग्जाम स्क्वाड में ऑलरेडी अपने को फ्री लेक्चर्स मिल रहा है। तो मेरा कोई भी मतलब ऐसा खराब एम नहीं है, मेरा एम सिर्फ यही है कि जैसे ही, ठीक है, जिस बंदे के पास पैसा है वो तो जाएगा ही ऑब्वियसली टू परचेज द लेक्चर्स, राइट, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली नाइस, यू शुड गो एंड परचेज द लेक्चर्स इफ यू हैव मनी। बट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर सेइंग दैट सर CSET का तो निकाल लिए सर, लेकिन एग्जीक्यूटिव का क्यों ऐसे कर रहे हो सर आप, एग्जीक्यूटिव का क्यों किसने डालते आप, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ भाई, निकाल लेंगे एक साथ मेहनत करके, यू अंडरस्टैंड। मैंने वीडियो लेक्चर्स फॉर CSET कंप्लीटली फ्री रखा है यूट्यूब के ऊपर, और वो हमेशा जिंदगी भर फ्री रहेगा, जिंदगी भर। आज लिख लो ये ऑडियो जो है ना, वो रिकॉर्ड कर लो, या फिर ये वीडियो जो है वो सेव कर लो, CSET के लिए जिंदगी भर ताउम्र वीडियोज़ जो है वो हमेशा फ्री रहेंगे,
ठीक है। और मैं आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत चाहता हूँ कि CS एग्जीक्यूटिव का भी ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँ मैं, CS एग्जीक्यूटिव का ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँ मैं कि मतलब बवाल वाला कंटेंट क्रिएट हो जाए, और वो भी फ्री में ऑन YouTube। दिस इज़ अ बिग रिवोल्यूशन, आई नो, आई अंडरस्टैंड, पीपल माइट थिंक दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%। आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल कि चलो हाँ बंदे को हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यही करना है कि चैनल के वीडियोज़ को स्प्रेड करना है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक्स करना है, एंड यू हैव टू सपोर्ट दिस चैनल सो दैट आई कैन सपोर्ट यू ऑल। पैसा नहीं मांग रहा मैं, यू अंडरस्टैंड ना, ओनली द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल विल ग्रो बाई योर हेल्प एंड नो वन एल्स, राइट। सो ये था मेरा अनाउंसमेंट फॉर CS एग्जीक्यूटिव। डेट जो है वो लिख लो, जनवरी फर्स्ट वीक से क्या स्टार्ट होगा, धमाका स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा धमाका, YouTube के ऊपर, ठीक है। और एक दो चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में दिमाग है सर एक ग्रुप लेना है कि दो ग्रुप लेना है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो क्वेरी मैंने पहले भी वीडियो बना के YouTube के ऊपर छोड़ रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको जाके सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप जाके वो वीडियो देख लो, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरी वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू ऑल द CSET स्टूडेंट्स, आई विल बी बैक अगेन विद ऑल द हाई टॉप स्कोरर्स ऑफ CSET ऑल इंडिया, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरी वन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।